फ्रेंड्स, मैं राहुल पाठक आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक नया सब्जेक्ट यानी कि मैनेजमेंट का सब्जेक्ट, जो बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट है हमारा प्लस टू पे, उस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज मैंने चैप्टर उठाया है मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, मीन्स प्रबंध एक परिचय। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये मैनेजमेंट है क्या चीज़, यानी कि प्रबंध है क्या। तो प्रबंध नॉर्मल शब्दों में मैं कहूँ, किसी से कार्य करवाने तथा करने की कला, यानी कि हम किसी काम को कैसे करते हैं या दूसरों से करवाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। और मैनेजमेंट आज एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बना हुआ है हर बिजनेस एंटिटी के लिए, चाहे वो बिजनेस एंटिटी हो या नॉन बिजनेस एंटिटी हो। बिजनेस एंटिटी जैसे कोई भी हमारा सेक्टर हो सकता है, कोई भी बिजनेस सेक्टर हो सकता है, और नॉन बिजनेस एंटिटी जैसे हमारा कह सकते हैं स्कूल्स कह सकते हैं, कॉलेजेस कह सकते हैं, ऑफिसेस कह सकते हैं, और हमारे अदर सेक्टर्स। ठीक है बच्चों, तो हमारे लिए मैनेजमेंट क्या है, हर जगह ज़रूरी है। और अगर किसी भी काम में से अगर हम मैनेजमेंट को हटा दें तो बाकी क्या बचता है, जीरो। मीन टू से मैनेज एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू नथिंग, कि अगर किसी भी काम में से अगर मैनेजमेंट को हटा दिया जाए तो वो क्या, कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ मैनेजमेंट का डेफिनेशन, वो डेफिनेशन है हॉरल्ड कुंटज के अनुसार। ये हॉरल्ड कुंटज क्या कहते हैं, हॉरल्ड कुंटज कहते हैं कि जो प्रबंध है, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर क्यों कहा, क्योंकि जो मैनेजमेंट है ये ग्रुप एफर्ट है। ग्रुप एफर्ट का मतलब कोई अकेला व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं कर सकता, मैनेजमेंट क्या है, एक सामूहिक क्रिया है, एक ग्रुप एफर्ट है। तो वही कहते हैं अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने और करवाने की कला है। तो मैनेजमेंट को हॉरल्ड कुंटज ने क्या कहा है, कहते हैं हॉरल्ड कुंटज ने कहा है प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने तथा करवाने की कला है। ठीक है बच्चों, तो सबसे आसान डेफिनेशन हॉरल्ड कुंटज के अनुसार है, तो आप लोग इसको याद करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट का मीनिंग। तो आप ये साइड में ब्लॉक में देख रहे होंगे कि मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए, काम को कुशल एवं प्रभावी तरीके से करने के लिए कार्यों का एक समूह। इस समूह में क्या क्या आता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो उसी को हम हिंदी में कहते हैं नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। यानी प्लानिंग मीन्स नियोजन, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग, निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण को संपन्न किया जाता है। यानी कि ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्क है। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, 5 स्टेप्स में काम किए जाते हैं, पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट के मीनिंग में आप क्या लिखोगे कि प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें काम को कुशल और प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह में क्या क्या है, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण को संपन्न किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं प्रबंध की विशेषताओं पे। विशेषताओं का मतलब क्या है कि वे कौन कौन से विशेष लक्षण हैं जो विद्वानों ने इनके अंदर प्रबंध की बताई है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला हमें बताया है कि प्रबंध जो है एक सामूहिक क्रिया है, इट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो प्रबंध का कार्य है वो कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता,
ठीक है, ये क्या है, व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। एक बार बुक्स के अनुसार पढ़ते हैं, कहते हैं प्रबंध की इस विशेषता के अनुसार, प्रबंध की इस विशेषता के अनुसार प्रबंध क्रिया को संपन्न करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होता। ठीक है, अर्थात ये क्या है, अनेक व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है, अनेक व्यक्तियों का समूह होता है वो इस कार्य को करते हैं। जैसे मैनेजर भी सिर्फ एक ही नहीं होता, मैनेज भी क्या होता है, फाइनेंस मैनेजर होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है, पर्सनल मैनेजर होता है। तो सभी मैनेजर्स मिल करके टोटल सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं और डिसीजन लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप क्या है उदाहरण दोगे नीचे, ये देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है। ठीक है, ये आप यहाँ तक करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हो, ये उदाहरण वाला पोर्शन ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखा है कि उदाहरण के तौर पे एक कंपनी अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती है तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विपणन प्रबंधक यानी कि मार्केटिंग मैनेजर, उत्पादन प्रबंधक यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर, क्रय प्रबंधक यानी कि परचेज मैनेजर, वित्त प्रबंधक यानी कि फाइनेंस मैनेजर, सभी को मिल करके कार्य करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, आपको इसमें इतना लिखना है। अब आके हम जो है इसके सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, यह है एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। यह क्या है, एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। उद्देश्य प्रधान का मतलब क्या है कि जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमारा कोई मोटिव होता है, हमारा कोई गोल होता है, हमारा कुछ उद्देश्य होता है कि हम मैनेजमेंट कर क्यों रहे हैं, किस चीज़ के लिए मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट करता क्या है, मैनेजमेंट हमारे इस गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, एक बार जरा बुक्स के थ्रू पढ़ते हैं। कहता है प्रत्येक संगठन की स्थापना के कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आप चाहे कोई भी संगठन बनाओ, कैसा भी संगठन बनाओ, कुछ ना कुछ उद्देश्य है। कोई समाज सेवा के लिए बनाता है, कोई अपने बिजनेस प्रॉफिट के लिए बनाता है, तो कोई ना कोई हर संगठन का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। ठीक है, और मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी शक्ति है जो इन उद्देश्य की प्राप्ति को क्या कर देता है, सरल बना देता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया कहा गया है। आप कहोगे मैनेजमेंट में ऐसा क्या होता है, तो एक मैनेजर जो होता है उसके पास एक स्पेशल नॉलेज होती है, विशेष ज्ञान होता है, कुछ एक्सपीरियंस होता है जो आने वाली घटनाओं का पहले से ही अंदाज़ा लगा लेता है। देखो लिखा हुआ है प्रबंधक अपने विशेष ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर भावी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाता है और वो योजनाएं बना लेता है। ठीक है, और जो अपने जूनियर्स हैं, जो उसके अधीनस्थ हैं, जो उसके सबोर्डिनेट हैं, उनके कार्य प्रगति पे लगातार नज़र रखता है। ठीक है, और टाइम टू टाइम उनको गाइडलाइंस देता रहता है। गाइडलाइन का मतलब मार्गदर्शन करना कि आप ऐसे कर रहे हो, उसको ऐसे करो, टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट भी करता है। ठीक है, इस तरीके से वो क्या है, अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रबंध क्या है, एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। कहता है इसका एक पृथक अस्तित्व है, इट हैज़ ए डिस्टिंक्ट एंटिटी। डिस्टिंक्ट एंटिटी, पृथक अस्तित्व का मतलब क्या है कि पहले जब बिजनेस का लेवल छोटा हुआ करता था, तो जो व्यक्ति बिजनेस का ओनर यानी कि मालिक होता था वही सब काम एक्टिविटी को मैनेज कर लेता था। ठीक है, चाहे वो फाइनेंस हो, मैनेजमेंट हो, सेल हो, परचेज हो, जो मैं सभी डिपार्टमेंट को अकेला संभाल लेता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब बिजनेस का लेवल बड़ा हो जाता है तो एक अकेले व्यक्ति के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो सभी एक्टिविटीज़ को संभाल सके, तो अलग से एक मैनेजर की जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसको क्या कहा गया, एक पृथक अस्तित्व होता है। एक बार बुक टू बुक पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन। प्रबंध की इस विशेषता के अनुसार व्यवसाय का पैमाना जैसे मैंने कहा ना, बिजनेस का लेवल बढ़ जाने के कारण यह पॉसिबल नहीं है कि प्रबंध क्रिया को स्वामी स्वयं कर सके, जो बिजनेस का ओनर है, जो मालिक है। ठीक है, तो इससे अधिक स्पष्ट करते हुए यह कहा जा सकता है कि व्यवसाय संस्था में जो स्वामी यानी कि जो पूंजी लगाने वाला है,
और मैनेजर जो बिजनेस को चलाने वाला है, अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण ले लिया कि एक कंपनी व्यवसाय में यह संभव नहीं। कंपनी का मतलब क्या होता है? एक लार्ज स्केल कंपनी, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा शेयर होल्डर होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा। तो उसमें क्या होता है, कंपनी के स्वामी यानी कि शेयर होल्डर, शेयर होल्डर तो सिंपल सी बात है, पैसा इन्वेस्ट करा, ठीक है, उनमें जरूरी नहीं है कि वो मैनेजमेंट कर सके। तो उनका क्या है, वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, संचालक ग्रुप रख लेते हैं, प्रतिनिधि डायरेक्टर्स रख लेते हैं, ताकि वो बिजनेस को क्या कर सके, कुशलतापूर्वक संचालन कर सके। ठीक है बच्चों, तो पहले के ज़माने में मैनेजमेंट और ऑनरशिप सिंगल हैंड में हो सकते थे, लेकिन न्यू एरा में यानी कि वर्तमान युग में यह संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। यह एक अदृश्य शक्ति है, यह एक अदृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति यानी कि जिसको देखा ना जा सके, अदृश्य का मतलब जिसको देखा ना जा सके। अब कोई कह सकता है कि वो देखो भाई वहाँ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट को सिर्फ किसी बिजनेस के डेवलपमेंट के आधार पे बताया जा सकता है कि हाँ उसका मैनेजमेंट अच्छा है या उसका मैनेजमेंट बुरा है। ठीक है, तो इसके बारे में एक बार बुक टू बुक हम लाइन टू लाइन रीड करते हैं कि प्रबंध एक ऐसी शक्ति है जिसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, केवल संस्था की सफलता के मूल्यांकन के आधार पर। सफलता का मूल्यांकन यानी कि उसे सफलता कितनी प्राप्त करी, किस लेवल पे है वो, इसकी अनुभूति की जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि कोई संस्था लगातार उन्नति की ओर अग्रसर है तो समझेंगे मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध अच्छा है। यदि एक संस्था लगातार अवनति का मतलब डिमोशन यानी कि बैक साइड जा रहा है, यानी कि कम हो रहा है, उसका बिजनेस कम हो रहा है, तो ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट असफल है। ठीक है, तो सिर्फ इसको ये बताया जा सकता है कि मैनेजमेंट अच्छा है या बुरा है, मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता। इसलिए मैनेजमेंट को क्या कहा गया है कि यह एक अदृश्य शक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रबंध एक प्रक्रिया है। सबसे प्रबंध एक प्रक्रिया है, इससे पहले मैं आपको बता दूंगा प्रक्रिया होती क्या चीज़ है। प्रक्रिया का मतलब होता है किसी भी काम को करने का एक सिस्टमैटिक वे होना, एक करने का तरीका होना। कि जैसे आप किसी सीढ़ियों पे यानी कि स्टेप पे चढ़ते हो, तो आप पहले स्टेप पे पैर रखते हो, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, इसमें भी एक प्रोसेस होता है कि पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं, फिर कंट्रोलिंग होते करते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, एक प्रक्रिया कहा गया है, एक प्रोसेस कहा गया। यहाँ पे आप लोगों को क्या है, यहाँ से रीड आउट करना शुरू करना है। प्रक्रिया का अर्थ होता है किसी भी काम को करने का एक निश्चित प्रणाली का होना। प्रबंध के संबंध में ऐसे स्पष्ट भी होता है, क्योंकि हर प्रबंधक को चाहे वो किसी भी संस्था का, किसी भी स्तर का प्रबंधक क्यों ना हो, यह कार्य इसी क्रम में करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, जो मैनेजमेंट जो हायरार्की बनी हुई है, जो सिस्टम बना हुआ है, उसी के हिसाब से करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रबंध एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है। ये जन्मजात और अर्जित क्या चीज़ है, ये मैं बताता हूँ। कि जो क्लासिकल विचारधारा वाले थे, यानी कि जो ट्रेडिशनल विचारधारा वाले, यानी कि पुराने टाइम के जो मैनेजर्स हुआ करते थे, वो सोचते थे कि जो मैनेजमेंट है वो इनबॉर्न क्वालिटी है। इनबॉर्न क्वालिटी का मतलब जन्मजात प्रतिभा है, यानी कि वो कहते थे मैनेजमेंट, जो मैनेजर होता है वो जन्म लेता है, मैनेजर बनाए नहीं जाते, मैनेजर जन्म लेते हैं। अर्थात यहाँ पे वो ये कहना चाहते थे कि किसी व्यक्ति में मैनेजमेंट का गुण बचपन से ही होता है। लेकिन जब मॉडर्न विचारधारा वाले आए तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। कि अगर किसी व्यक्ति के पास जन्मजात या प्रतिभा नहीं है, तो वो इस प्रतिभा को एक्वायर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में ट्रेनिंग ले सकते हैं, इसके बारे में शिक्षण सीख सकते हैं। जैसे आप लोग अभी सुनते होंगे कि वो बच्चा, लड़का BBA कर रहा है, MBA कर रहा है, तो ये BBA MBA क्या है, मैनेजमेंट कोर्सेज हैं। इसके द्वारा मैनेजर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम इसको एक बार लाइन टू लाइन पढ़ते हैं कि प्रबंध योग्यता का जन्मजात और अर्जित होना दोनों अलग अलग पहलू हैं।
परंपरागत विचारधारा क्लासिकल अप्रोच, परंपरागत विचारधारा क्लासिकल या ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि जो प्रबंध क्षमता का गुण मनुष्य में जन्म से ही होता है, यानी कि प्रबंधक बनाए नहीं लेते बल्कि जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते जन्म लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ही क्या होता है, वो अपने बिजनेस लेवल को इनक्रीज करते हैं। लेकिन दूसरे शब्दों में जब वही बात आती है मॉडर्न विचारधारा की, तो वो क्या करते हैं, परंपरागत विचारधारा का खंडन करते हैं। वो क्या कहते हैं कि इनके अनुसार कि प्रबंध योग्यता को शिक्षण और प्रशिक्षण द्वारा, शिक्षण का मतलब एजुकेशन और प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग, इनके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति में जन्म से यह प्रबंध का गुण नहीं है तो इस बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इस विषय में शिक्षा देने वाली संस्थाओं की कमी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, प्रबंध को सीखा जा सकता है, ठीक है, शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो यानी कि क्लासिकल विचारधारा ने इसको जन्मजात कहा, और जब मॉडर्न विचारधारा उन्होंने इसको क्या कहा कि जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक क्रिया का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक क्रिया का मतलब होता है एक ऐसी क्रिया जो हर जगह की जाए, एक ऐसी क्रिया जो हर जगह की जाए, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस हो। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, देखो पढ़ते हैं, कहते हैं सार्वभौमिकता से अभिप्राय, सार्वभौमिकता से अभिप्राय उस सत्य से है जो सभी क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होता है। ठीक है, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस, गैर बिजनेस हो। ठीक है, प्रत्येक बिजनेस में चाहे नॉन बिजनेस में, नॉन बिजनेस में बता दिया शिक्षण संस्थाएं, सरकारी कार्यालय, खेल का मैदान, कृषि फार्म, ये सारी चीज़ें आती हैं। कहता है कि इसमें मैनेजर की जरूरत होती है, क्योंकि उनके भी उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनको मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने जो लास्ट पॉइंट पढ़ा वो क्या है, वो पॉइंट था कि जो मैनेजमेंट है एक सार्वभौमिक क्रिया है, एक यूनिवर्सल एक्टिविटी, यानी कि इसको हर जगह करना पड़ता है, चाहे वो पढ़ाई हो तब भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, बकायदा अगर लड़ाई भी करनी हो तो उसमें भी हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है, एक चोर जो चोरी करने जाता है उसमें भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तो मैनेजमेंट की ज़रूरत हर जगह होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है, यह विभिन्न दर्शनग्राही ज्ञान है। विभिन्न दर्शनग्राही का ज्ञान का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है, यानी कि मैनेजमेंट के लिए किसी एक बुक या एक शास्त्र का ज्ञान नहीं, कई सारे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। कहता अगर आपको मैनेजमेंट ही करना है तो आपको मैनेजमेंट के लिए आपको साइकोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको सोशोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको मानव शास्त्र यानी कि एंथ्रोपोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का भी ज्ञान होना चाहिए, स्टैटिक्स का भी ज्ञान होना चाहिए, मैथमेटिक्स का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, विभिन्न दर्शनग्राही ज्ञान कहा गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आती है बात। ठीक है, और ये सभी सब्जेक्ट्स की नॉलेज को इकट्ठा करके तब जा करके एक मैनेजमेंट बनता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, विभिन्न दर्शनग्राही ज्ञान कहा गया है। इसमें आप लोगों को ये मैंने ब्रैकेट लगा रखा है, यहाँ तक आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलो जी आगे मूव करते हैं। यह एक सामाजिक विज्ञान है, यह एक सामाजिक विज्ञान, इसको सामाजिक विज्ञान क्यों कहा, सामाजिक विज्ञान का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा विज्ञान जिसमें समाज का अध्ययन जरूरी हो उसको हम कहते हैं सामाजिक विज्ञान। जैसे कि सामाजिक विज्ञान से अभिप्राय, देखो लिख रखा है उन्होंने, सामाजिक विज्ञान से अभिप्राय ऐसे विज्ञान से है जिसका संबंध प्राणियों से हो, तो प्राणी कहाँ रहेंगे, समाज में ही तो रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, ये सभी क्या है, सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, इस तरह मैनेजमेंट भी क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, क्योंकि अब देखो नॉर्मली बात है कि एक बिजनेस जो है कहाँ पर रहता है, एक समाज में ही तो फल फूल रहा होता है, क्योंकि समाज से ही उसको सब कुछ चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, हद से जो मैनेजर है, जो मैनेजर है वो भी कहाँ से आएगा, समाज से ही आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, समाज का अध्ययन करना पड़ता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, एक सामाजिक विज्ञान कहा गया। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें, यह एक प्रणाली है। प्रणाली यानी कि सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ मेजर एंड वेरियस एक्टिविटी इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है यहाँ पे कि पूरा सिस्टम है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है जहाँ पे काफ़ी सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि एक ही काम, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, सीधा जाते हो बीमारी बोलता है, हमें बीमारी बोली और दवाई दे दी, नहीं, वो पहले आपकी फुल बॉडी चेकअप करता है कि आपके क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, डिटेल एनालिसिस के बाद ही वो क्या करता है, अपनी प्रेस्क्रिप्शन देता है, आपको दवाई देता है। उसी प्रकार से जो मैनेजर है, मैनेजर को भी डिसीजन लेने से पहले सभी पार्ट्स यानी कि सभी डिपार्टमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। कि जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि परचेज मैनेजर क्या करे कि वो 10 लाख यूनिट का ऑर्डर दे दे। परचेज मैनेजर 10 लाख यूनिट का ऑर्डर दे दे, एक यूनिट है 100 रुपये की। ठीक है, 1 लाख कर लेते, ज़्यादा नहीं, ठीक है, 1 लाख यूनिट का ऑर्डर दे दे और एक यूनिट की कीमत कितनी है, 100 रुपये है। ठीक है, इसलिए हमें पैसों की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, तो 1,00,000 × 100 यानी कि 1 करोड़ रुपए की। लेकिन फाइनेंस मैनेजर के पास इतने पैसे ही ना हो तो क्या मैनेजमेंट में गलती हुई ना हुई? तो ये क्या कहता है, पूरी कंप्लीट स्टडी करने के बाद ही मैनेजमेंट क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। उसको सभी पार्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए इसको क्या कहा गया, एक प्रणाली कहा गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें, यह एक गतिशील व्यवस्था है। गतिशील का मतलब डायनामिक, जो लगातार चलता रहता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट एक बार कर दिया और अपने घर बैठ जाऊँ? मैनेजमेंट लगातार करते रहने की जरूरत होती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, गतिशील व्यवस्था कहा गया है। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। कहते प्रबंध व्यवस्था के कुछ सिद्धांतों पर आधारित हैं जो कि गतिशील होती हैं। सिद्धांत का अभिप्राय ऐसे आधारभूत सत्य से है जिनका कारण और परिणाम का भी संबंध होता है। मैनेजमेंट में भी क्या होता है, आप ये काम करोगे तो इसका ये रिजल्ट आएगा, ये काम करोगे तो इसका ये रिजल्ट आएगा, यानी कि कारण और परिणाम के भी संबंध होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, प्रबंध के सिद्धांत क्या करते रहते हैं, लगातार जैसे वातावरण में चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से हमको चेंज करते रहना पड़ता है। अगर आप अपने आप को वातावरण के हिसाब से नहीं बदलोगे तो आप कॉम्पिटिशन में पिछड़ जाओगे, आप मार्केट में पिछड़ जाओगे। इसीलिए क्या है, हमें लगातार मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, कर लोगे, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें। इसका सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व क्यों है भैया? कहते हैं कि आज प्रबंध को सामाजिक दायित्व के रूप में देखा जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखा जाता है। प्रबंधक सदैव संस्था के हित में निर्णय लेता है। आखिर मैनेजर है वो संस्था के लिए रखा गया था, संस्था के हित में, लेकिन यदि उसके निर्णय से संस्था का हित होता हो और संस्था का हित होता हो लेकिन समाज का अहित होता हो, तो ऐसे निर्णय से क्या उसके बिजनेस को ही खतरा हो जाएगा। मान लो मैं कोई ऐसा बिजनेस करता हूँ जिससे मेरे समाज को, मेरी सोसाइटी को नुकसान होता हो, तो वो उसका अस्तित्व होगा ही खतरे में। ठीक है, तो उसका क्या होता है, इस तरीके से उस बिजनेस का पतन क्या हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है बच्चों, आप इसको यहाँ ब्रैकेट तक कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर रहा हूँ मैं, यह एक पेशा है। यह एक पेशा है, पेशा का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी कि जब किसी ज्ञान को प्राप्त, किसी ज्ञान को किसी विशेष संस्था से प्राप्त करते हैं और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम पेशा कहते हैं। कि जैसे हमारे डॉक्टर्स होते हैं, हमारे एडवोकेट यानी कि वकील होते हैं, ठीक है, हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे क्या कहते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ये सभी किस में आते हैं, उसमें प्रोफेशनल्स में आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को क्या कहा गया है, मैनेजर भी क्या है, एक प्रोफेशन है। ठीक है, तो कहते पढ़ते हैं बुक के हिसाब से कि आज मैनेजमेंट यानी कि आज प्रबंध की ख्याति जो है एक पेशे के रूप में है। आज प्रबंध की ख्याति किस रूप में है, पेशे के रूप में है। प्राचीन विचारधारा के प्रबंध कहता था कि योग्यता जन्म से ही होती है, लेकिन अब ये क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। वर्तमान में प्रबंध शास्त्र में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो रही है कि उसने सिद्ध कर दिया है कि प्रबंधक जन्म नहीं लेते अपितु प्रशिक्षण देके बनाए जाते हैं।
ठीक है। इसी धारणा के फलस्वरूप प्रबंध को पेशे के दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है। आप लोग इसको यहाँ तक कर सकते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं कि यह कला और विज्ञान दोनों हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कला क्या चीज़ होती है। कला का मतलब है कि किसी अपने विज्ञान को, अपने विशेष ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना क्या कहलाता है, कला कहलाता है। तो मैनेजर भी क्या करता है, अपने नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करता है, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, तो इसलिए इसको क्या कहा, कला कहा। दूसरे में इसको विज्ञान कहा गया। विज्ञान का मतलब क्या है कि जहाँ नियमों की सत्यता की जांच हो सके, यानी कि जहाँ किसी चीज़ का क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सके, यानी जहाँ किसी चीज़ के कारण और परिणाम के भी संबंध बताया जा सके, तो उसको क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो इसी तरह मैनेजमेंट में भी क्या है, हर चीज़ के बीच रिलेशन होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, विज्ञान भी कहा गया। ओके बच्चों, आज आपका इतना ही। कल हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के उद्देश्य। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय, टेक केयर।